भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज पहला दिन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैदराबाद से विधायक हैं टी राजा जी। टी राजा जी, वैसे आप सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आज अधिवेशन में जो आना हुआ, क्या पार्टी का दृष्टिकोण है और किस तरीके की प्लानिंग यहाँ रहने वाली है? क्या आप लोगों को मंत्र दिए जा रहे हैं? देखिए, आज राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम अभी प्रारंभ हो रहा है और तकरीबन पब्लिक तो इतना अंदर है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकारीगण, कार्यकर्तागण, यानी बैठने की उतना चेयर भी नहीं है, उतने पब्लिक, यानी पूरा पंडाल भरा हुआ है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई सी ऊर्जा आई है और 2019 में सभी कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया है कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ले चुके हैं। आज इतना जनसैलाब देखकर, भारतीय जनता पार्टियों का इतना, कार्यकर्ताओं का जनसैलाब देखकर मुझे यही महसूस होता है कि आने वाले समय में दुश्मन जो भी होगा उसका नाम निशान नहीं रहेगा, आने वाले समय में हर पार्टी की जमानत भी जब्त होगी। आपने एक मुद्दा उठाया था, अगर हम बात करें हैदराबाद के अंदर जो स्पीकर बनाया गया था MIM का, आपने विरोध किया था उसका, क्या उस पर कुछ संज्ञान लिया गया था या आला कमान की तरफ से कुछ आपके ऊपर भी दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया था? देखिए, मैंने जो बात कही है वो संविधान के उस देखते भी रखी है। संविधान में लिखा हुआ है कि अगर हमें कोई स्पीकर पसंद नहीं आता है तो उसके बाद में दो स्पीकर होते हैं, एक मेन स्पीकर होता है, एक डिप्टी स्पीकर भी होता है, उन दोनों में से किसी एक के पास हम जाकर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। आज तेलंगाना सरकार, जो KCR की सरकार है, TRS पार्टी की, ये टोटली मुसलमानों की गुलाम सरकार है। मैं मुसलमान का विरोध नहीं हूँ, लेकिन उन मुसलमानों का सहयोग करती है जो भारत देश में रहकर, भारत देश का खाकर भारत माँ की जय नहीं बोलते। ऐसे MIM पार्टी को सपोर्ट करने वाली ये KCR सरकार है। एक सवाल और है, मणिशंकर अय्यर ने बोला है कि भगवान राम को लेकर के 10,000 कमरों का महल था राजा दशरथ का, ये कहाँ से प्रूफ होता है कि भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए थे? उनको क्या संदेश देंगे आप? मणिशंकर अय्यर को मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो अपनी माँ और बाप से पूछिए कि तुम हिंदू हो या नहीं हो। अगर तुम सच्चे हिंदू हो तो तुम्हारे मन में इस प्रकार के शब्द नहीं आते। भगवान रामचंद्र जी का जन्म कहाँ हुआ, दशरथ जी का जन्म कहाँ हुआ, ये हर कोई हिंदू जानता है। दुर्भाग्य की बात है कि तुम वो चीज़ को नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, ये दुर्भाग्य की बात है। अगर मणिशंकर अय्यर को, अगर भगवान राम जी के प्रति इतिहास अगर जानना है कि राम भगवान का जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, तो एक डिबेट लगा ले, हम उस डिबेट में आएंगे और मणिशंकर अय्यर को एक एक इतिहास का पूरा सब्जेक्ट हम सिखा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ टी राजा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बातचीत को रखा। कैमरामैन चंदन के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।